मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शुक्रवार रात को एक तेज रफ्तार पिकअप चालक ने बच्ची को रौंद दिया, जिसके बाद 8 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पिकअप में आग लगा दी। इस दौरान पिकअप में बैठा ड्राइवर भी बुरी तरीके से झुलस गया है, जहां इलाज के बाद शनिवार सुबह ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे पिकअप चालक ने अलीराजपुर के आजाद थाने के छोटी पोल ग्राम में 8 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया। आगजनी में पिकअप में बैठा ड्राइवर मगन सिंह बुरी तरीके से झुलस गया। वहीं मौके पर देरी से पहुंची पुलिस ने मगन सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद भाभरा से दाहोद रेफर किया, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने के कारण रास्ते में ही ड्राइवर की मौत हो गई। मामले में दोनों पक्षों ने FIR दर्ज करवाई है, जिसमें ड्राइवर के गंभीर घायल होने के दौरान लिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने कल ही धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जोबट STOP नीरज नामदेव की माने तो इस मामले में ड्राइवर की मौत हो जाने के चलते और धाराएं बढ़ाई जाएंगी और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। वहीं घटना के बाद सामने आए वीडियो में कुछ ग्रामीण ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए भी दिख रहे हैं। इस दौरान पिकअप में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप नहीं लिया था कि ड्राइवर बचकर भाग न सके। सवाल ये उठता है कि फिर ड्राइवर इतना बुरी तरीके से कैसे झुलस गया। ये फाटक में एक बालक सोरी को मर्डर कर दिया है। बालिका का एक्सीडेंट हो गया, जिससे बालिका का सिर पूरी तरह कुचल गया था। तो वहाँ जो घर के आस पड़ोसी लोग थे, उन्होंने चालक की मारपीट की, उसको जलाने की कोशिश की है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।